तो ये है जी हमारे घर का लुक बाहर से, आप देख सकते हैं। मैं बचपन में अक्सर कहा करती थी मैं अपने कमाई से सबसे पहले मैं घर बनाऊंगी। अच्छा। तो जब बारिश का मौसम में जो बारिश होने लगता था तो खपड़ा चुने लगता था। अच्छा। तो दीदी कहती थी जब नौकरी करेंगे तो सबसे पहले पक्का का घर बनाएंगे। तो चलो एक छोटा सा सोनू गिफ्ट दे। क्या नाम है बाबू? अंश मिश्रा। अंश मिश्रा, और आपका नाम क्या हुआ? अंशिका मिश्रा। अंशिका मिश्रा, तो अंश और अंशिका ये दो हमारी पड़ोसी भी हैं और सब्सक्राइबर भी हैं। और ये रही हमारी दीदी जिनके यहाँ दो बच्चे। और उनका नाम प्रियंका मिश्रा। अच्छा, उनका नाम प्रियंका मिश्रा है। थैंक यू बताने के लिए। ये सभी का तो भोजन हो गया है, अब हमारा भोजन हो रहा है। जो दिया बैठ गई है और यहाँ मोनू परोस रहा है। पूरी छनेगा। तो हम लोग का कुछ सामान सब बच गया है, उसका इस्तेमाल कर रही है जिया। बहुत बढ़िया। जी घर का जो फंक्शन है वो खत्म हो चुका है और हम लोग आज सुबह उठे हैं। जी थकावट इसलिए थोड़ी ज्यादा हो गई, कल था हमारा दिन भर उपवास, उसके बाद दिन भर भागा दौड़ी की, सुबह 8 बजे से लेकर के जब तक हवन में नहीं बैठे 3 बजे तब तक भागा दौड़ी चलते, फिर हवन पर बैठे, हवन पर बैठने के बाद फिर जब पूजा खत्म हुआ 7 बजे फिर खाने का कार्यक्रम शुरू हो गया, तो सभी को खाना खिलाया कि रात में चल के 12 बजे फ्री हुए तब चलकर सोए हैं, और सोए जो सीधे सुबह के 8 बजे उठे हैं, मतलब 8 घंटे में नींद भी नहीं खुली बीच में एक बार, तो ये कितनी थकावट थी हमारे शरीर में। तब उठ गए और जितना भी सामान है अब सभी को एडजस्ट किया जा रहा है। और आप लोग चाह रहे थे होम टूर कराने के लिए, तो चलिए आज होम टूर करा देते हैं आपको। फर्स्ट फ्लोर का होम टूर कराते हैं जी। वहाँ सीढ़ी है, सीढ़ी से यहाँ है एंट्रेंस, और एंट्रेंस में यहाँ है एक आगे बालकोनी हमारा, इसे बनाया गया है स्पेशली पापा के ऑफिस के पर्पस से कि कोई क्लाइंट आए तो यहाँ पर आकर के बैठेंगे, यहाँ पापा का जितना भी किताब है जो भी फाइल्स डॉक्यूमेंट है वो रहेगा। इसमें भी एक दरवाज़ा लगाया जाएगा, अभी लगाया नहीं गया है। और यहाँ से बाहर का लुक आपको दिखा देते हैं, यहाँ से ऐसा है हमारे बाहर का लुक। तो चलिए ये आपको बाहर का दिखा दिया सब कुछ, अब आपको अंदर का दिखाते हैं। यहाँ से एंट्रेंस है और एंट्रेंस के बगल में ही पूजा घर है, देख सकते हैं पूजा घर। ठीक है, आप पूजा घर के बाद जब आएंगे तो बीच में एक हॉल है, इसी हॉल से आपको पहली वाली रूम का रास्ता है, एक बाथरूम, दूसरा बाथरूम, एक अलग रूम और एक किचन, यहीं से सारा रास्ता है। बाकी यहाँ पर सभी के लगता है नाश्ता की तैयारी चल रही है, पूरी तल रहा होगा किचन। इधर हमारी माता श्री जो है पूरी बनाने की तैयारी कर रही है। पूरी इसलिए बना रहे हैं तुम लोग नाश्ता कर लोगे। हाँ। खाना हरा था तो खाया नहीं था सही से, बिल्कुल अच्छे से खा भी नहीं पाया, इसलिए गरम गरम पूरी बना देते हैं। और जैसा कि कल आपको दिखाया था इस चूल्हे का उद्घाटन मेरी मौसी ने ही किया है। मौसी कैसा है चूल्हा? बहुत सुंदर है, कितना में दिया बेटा? ये दिया है 3500 में। तो चूल्हा खरीदा कौन है? चूल्हा हमने खरीदा है और मकान मालिक ने खरीदा, यही ना? अच्छा, चाहते हैं कुछ और प्रोग्रेस हो जाए। हाँ बिल्कुल, एकदम आशीर्वाद दो और प्रोग्रेस होगा। हम चाहते हैं दिन दुना रात चौगुना। फलो एक छोटा सा सोनू गिफ्ट दे। आंटी की जुबान पर कभी कभी नहीं रहता, ये बोलेंगे ही बोलेंगे। अब जब तक नहीं आएगा छोटा सोनू तब तक ये आशीर्वाद चलता रहेगा। तो जी वहाँ था हमारा किचन, अब आपको यह रूम दिखा देते हैं। यह है हमारा रूम, ऊपर में एक छज्जा डाल दिया है, आजकल भले यह ट्रेंड है नहीं छज्जा डालने का, क्योंकि नीचे वाले रूम में देखे होंगे एक आलमीरा भी बना हुआ रहता है सीमेंटेड पूरा दीवार में ही, लेकिन यहाँ नहीं बनाया गया है, बोला गया कि आजकल के डिजाइन में नहीं है। मम्मी इस बात के लिए गुस्सा भी हुई कि आलमीरा है क्यों नहीं यहाँ पर, लेकिन पापा ने कहने रहने दीजिए कोई बात नहीं, आलमीरा अलग से खरीद लेंगे। जैसे देखिए वहाँ पर एक आलमीरा है ना, वहाँ पर बाहर में आप देख रहे होंगे दीवार में ही बना हुआ, ऐसे ही बना हुआ रहता है, लेकिन हमारे जो मिस्त्री साहब हैं उन्होंने कहा कि आजकल के डिजाइन में नहीं है, पापा भी उनकी बात से एग्री कर गए और कहा कि उसकी कोई जरूरत नहीं है तो नहीं रखा हमने। अब आपको दिखाते हैं दूसरा रूम, माँ एकदम सफाई कार्यक्रम में जुटी हुई है, और यह रहा दूसरा रूम। यहाँ भी एक छज्जा है,
इसी के ऊपर अपना जो भी ट्रॉली ब्रीफकेस सब उसी के ऊपर जाएगा। और अभी पूरा यह मेस बना हुआ है, यहाँ पर अपना सब सेट होना है। आज सेट नहीं हुआ है, जब पूरा सेट हो जाएगा तब आपको प्रॉपर दिखेंगे। और यहाँ की खिड़की से मैं आपको बाहर का लुक दिखाता हूँ थोड़ा। अच्छा खासा बड़ा खिड़की है यार। तो कल जो बच गया है आज उसका भोग लगाया जा रहा है। और यह चटनी इतना स्वादिष्ट चटनी है, आज भाभी हेल्पर का रोल निभा रही है। सब दिन दिन कारीगर रहती है। Six and a half hours later. जोर लगा के हैया। तो ये है जी हमारे घर का लुक बाहर से, आप देख सकते हैं। वो है सीढ़ी घर और इधर है सारा रूम सब। बाहर आप देख सकते हैं, बाहर हमारे पापा और मम्मी का नाम लिखा हुआ है। पापा हैं लॉयर अधिवक्ता और माँ है कुमारी निर्जा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। अब तो फॉर्मर इसमें लगाना पड़ेगा, अब पूर्व लगाना पड़ेगा यहाँ पर, तो जब माँ थी उस टाइम का है यह। और अब चलते हैं अंदर। तो यहाँ से खुल गया हमारा गेट। तो जी अब हम मकान के अंदर एंटर कर चुके हैं। यहाँ से आप चले जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पर और यहाँ है हमारा नीचे का मकान। यहाँ है हमारी होंडा साइन जो आप हमारे ब्लॉग में देखते रहते हैं। तो चलते हैं घर के अंदर। यहाँ है जिया, मोबाइल टिप रही है आराम से, बिल्कुल यही काम ही रहता है इसका। और यहाँ पहले सोफा लगा हुआ आपको दिखता होगा ब्लॉग में, लेकिन अब यह जो सोफा है यह ऊपर चला चुका है। कुछ कुछ सामान ऊपर चला गया, कुछ कुछ सामान अभी नीचे है, तो थोड़ा मेरा यहाँ नीचे वाला जो है बिखरा पड़ा है, इसलिए थोड़ा उसको इग्नोर कीजिएगा। इस रूम के बगल में है दूसरा रूम, ये देख सकते हैं, ये है मम्मी और पापा का रूम और यहाँ है हम और ये। तो देख लिया यहाँ का रूम, ये डैडी और मामा। यहाँ पर पूजा घर हुआ करता था, अभी भी आपको एक दिख रहा होगा माँ दुर्गा का फोटो लगा हुआ सामने, तो यहीं पर पूजा होती थी हमारे घर में। यहाँ आपको दूसरा रूम दिखा दिया, अब चलते हैं अगले रूम। लाइट ऑन कर दो उधर का। तो अब जिया ने कैमरा पकड़ लिया है, अब मुझे रूम दिखाने में थोड़ी सहूलियत होगी, तो दिखाते हैं आपको। तो आपको दो रूम दिखा दिया आगे का, अब आगे का दो रूम और दिखाते हैं। और यहाँ मेरी ननद रानी सोई हुई है। जी हाँ, हमारी बहन सोई हुई है। यह नहीं चाहती है कि मैं वीडियो के सामने आऊँ, तो यह वीडियो के सामने कब आएगी, जब यह कम्फर्टेबल हो जाएगी। जग तो चुकी ही होगी क्योंकि हम इतना लाउड बोले जा रहे हैं, है ना। जगी हुई है क्या, है ना, जगी हुई है क्या। तो यहाँ रहा जी हमारा तीसरा रूम, ठीक है, शॉर्टकट में बोल रही है क्या। मेरे भाई का जब 2 मिलियन सब्सक्राइबर होगा ना, तो फिर मैं अपना फेस रिवील करूंगी। वाह, 2 मिलियन, भगवान जाने कब होगा, लगता है आज से 10-20 साल। सपना देखी उठी है क्या। चलते हैं जी अगले रूम में, अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर किचन। तो यहाँ है जी इस रूम से लगा हुआ एक किचन, जिसका कि आधा सामान ऊपर शिफ्ट हो चुका है और थोड़ा बहुत बाकी, लगभग 90% सामान शिफ्ट हो चुका है। और यहाँ बहुत पुराना चूल्हा था, अब इसको फैनली हम बदल रहे हैं, 4 चूल्हा लाए हैं। अब चलते हैं अगले रूम में। और वहाँ जो सामने वाला किचन है, सामने वाले किचन के अपोजिट में एक और किचन है, लेकिन यहाँ जो किचन है ये स्टोर रूम, स्टोर रूम बना हुआ है। तो 2 रूम के साथ एक किचन, एक लैट्रिन बाथरूम, इस तरह करके यहाँ डिजाइन किया गया। और इसमें कुछ आलू है तो बहुत पसंद है। तो अब चलते हैं दूसरे रूम में। तो यहाँ है जी हमारा बेडरूम, अभी तक यही हमारा बेडरूम बना हुआ है, बाकी हम लोग जाएंगे ऊपर, तो इसको उठा करके ले जाना है। तो जी यहाँ था हमारा नीचे का घर जो आपको दिखा दिया, 4 रूम दिखा दिया, जो इसके साथ 2 किचन था वह भी आपको दिखा दिया, और साथ में है जो जिया है वहाँ जो शूट कर रही है उसके ठीक पीछे 2 बाथरूम है, तो वह बाथरूम नहीं दिखाती, अब सीधे चलते हैं ऊपर। जो कि ये है हमारा एक बाथरूम, इधर है हमारा एक बाथरूम। बताइए जी कैसी बीवी है, तुरंत बात का काट करते हैं आपको, बाथरूम दिखाने वाली थी। खोल के नहीं दिखाए। तो यहाँ पर दोनों बहनें बैठी हुई हैं और बगल में बहू बैठी हुई है। तो दीदी अब तो अपना घर हो गया, कुछ कहना चाहेगी। हाँ जरूर। हाँ मैं हर बात को अध्यात्म से जोड़ कर देखती हूँ। अच्छा, तो उन्हीं की दया से आज मेरा घर हुआ,
मैं बचपन में अक्सर कहा करती थी मैं अपने कमाई से सबसे पहले मैं घर बनाऊंगी। अच्छा। और मेरी बड़ी बहन रेखा दीदी जो आज मेरी जेठानी भी है, अच्छा, वो हमेशा कहा करती थी कि बचपन में ये कहा करती थी कि हम घर बनाएंगे, तो आज घर बन गया जैसा हम सोचे नहीं थे, बस और यही कहना चाहती। अच्छा, और बगल में हमारी मौसी बैठी हुई है, उनसे भी पूछ लेते हैं क्या कहना है इनका। हाँ, जब गांव में हम लोग रहते थे, अच्छा, तो जब बारिश का मौसम में जो बारिश होने लगता था तो खपरा चुने लगता था, अच्छा, तो दीदी कहती थी जब नौकरी करेंगे तो सबसे पहले पक्का का घर बनेंगे। अच्छा। बारिश खत्म हो जाता था तो फिर भूल जाती थी। हाँ। ईश्वर की कृपा से दीदी को नौकरी हो गया। जब हम कटिहार पहली बार आए थे तुमको देखने, हाँ, तुम 1.5 महीना का था, तो DSP साहब के मकान में रहती थी। अच्छा। दीदी कहती थी जो काश हमको कब मकान होगा, जो अपने मकान में रहेंगे, डेरा के मकान में रहते रहते कंजस्टेड रहता है, एक ही घर में सब कुछ रखना पड़ता है। तो हम दीदी को कहे थे जी, पिताजी बोले हैं जो जब निर्जा पैदा हुई थी तो एक सहरसा में आशीर्वाद दिए थे एक आदमी, अच्छा, जो बिंदेश्वर बाबू आपकी जो बेटी पैदा हुई है ना, लगता है रोशनी की तरह चमक रही है, एक दिन ऐसा आएगा ये अपने रोशनी से आपको बिखेर देगी। अच्छा। काश आज पिताजी जिंदा रहते, वो तो देखे नहीं अपनी बेटी को, दियो बन गई है, लेकिन उनका आत्मा जरूर देखता होगा। आज जब हम दूसरा बार घरवास में आए पूजा में, तो हम जो दीदी का दूसरा मंजिल देखे, इतना मन खुश हो गया